A cyclist from Rajgarh district of Madhya Pradesh reached Silchar on Friday after travelling through 18 states to spread the message that India is a safe place for women. SP of Kuchar, Numal Mahatta, invited the cyclist, Asha Malvi, and felicitated her on her initiative. Malvi started her tour on 1st November 2022 from Bhopla, pedaling for over 16,200 kilometers. She will be heading to Mizoram after Assam. मेरा नाम आशा मालवी है. मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज नाडाराम से हूँ. मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ. अभी मैं संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की. और यहाँ यात्रा मैंने भोपाल से शुरू की है 1 नवंबर को, और आज मैं हूँ कचर सिलचर डिस्ट्रिक्ट में. और मेरी भेंट यहाँ पर SP सर से हुई है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट का और स्पेशली SP सर का. और मेरी इस भारत यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की महिलाएं भारत में भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं हैं. तो मैं अकेले सोलो ट्रेवल करके पूरे देश की यात्रा करके पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है. यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है. साथ ही कहीं ना कहीं आज हमारे देश के लिए भी अदर देशों में ये मानना है कि इंडिया इज़ ए नॉट सेफ कंट्री स्पेशली वुमेन, बट पूरे मेरा एक वर्ल्ड के लिए भी एक मैसेज है कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री ओवर ऑल स्टेट एंड ओवर ऑल प्लेसेस. और मेरी ये टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की है. मैंने 1 नवंबर से इसको शुरू किया है और 15 अगस्त को मैं इसका समापन दिल्ली में करने वाली हूँ. और अभी तक मैंने 18 राज्यों का यात्रा कम्प्लीट कर लिया है और मैं 19वें राज्य मिजोरम में जा रही हूँ. और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो जो मैं पहले सुनती थी कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट में जब से आई हूँ, मैं असम से एंट्री मैंने किया है गुवाहाटी से, तो अभी तक जो असम के चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे IPS ऑफिसर हो, चाहे अदर ऑफिसर हो, चाहे वो SP सर हो या DC सर हो, जो मैंने असम स्टेट में देखा है, एक अपनेपन का अभाव, एक हेल्पफुल नेचर. मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पूरे देश में जितने भी ऑफिसर्स हो या जो स्टेट हैं, उनको सभी को असम से कुछ सीखना चाहिए एक्चुअली. और मुझे असम आके काफ़ी अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे असम का. एंड मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ असम की. अभी तक 18 स्टेट कवर कर लिया है और अभी तक मैंने 16,200 किलोमीटर साइकिलिंग किया है और 18 स्टेट में 16,200 किलोमीटर. अभी मेरा 10 स्टेट और बाकी हैं, और इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है. वो चाहे स्टेट ना है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर भी जा रही हूँ. और यहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट कवर करने के बाद पटना के बाद लखनऊ होते हुए उधर शिमला, श्रीनगर होते हुए चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से 15 अगस्त को मैं दिल्ली पहुँच रही हूँ. एंड मैं असम में भी ऑनरेबल गवर्नर सर से भी मैं मिली हूँ, और ADGP सर से भी मैं मिली हूँ, और आज मैं कचर सिलचर SP सर से भी मैं मिली हूँ. तो काफ़ी इनसे जो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण मेरा उद्देश्य है, वो जानकर मैं सर से भी काफ़ी कुछ सीखी हूँ, और मैं एडिशनल सर से भी मैं मिली हूँ. तो जब मैंने चर्चा की सभी से जो मेरा उद्देश्य उसके बारे में, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ पर महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है. महिला आशा जी এগৰাকী নেশ্যনেল প্লেয়াৰ্ছ, আৰু তাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এটা তাই আঁচনি লৈছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চাইকেলেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে, যে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে. আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কাৰণে অতি ভাল কথা. আৰু এটা আমি ভাবিছোঁ যে এটা এনেকুৱা এটা বিষয় যি আজি মহিলা বিশ্ববিজয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে, বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসকল মহিলা আছে, চাহ বাগিচাৰ মহিলা আছে, গাঁও অঞ্চলৰ মহিলা আছে, তেওঁলোকক যিটো সবলীকৰণ কৰিব, এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ এটা অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি বিভিন্ন অঞ্চলত পৰিভ্ৰমণ কৰি এই তেওঁ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে. এইটো আমি তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ. আৰু তেওঁ আজি আমাৰ ইয়াত আহিলে, আমি কথা পাতিলোঁ, আমি খুব ভাল লাগিলে. আৰু তেওঁ এতিয়া মিজোৰামলৈ যাব, গতিকে আমি নেক্সট কোর্স অফ তাইর জার্নিত আমি সকলোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ. আৰু তেওঁ এই যি পৰিক্ৰমা ই মানে সাকসেসফুল হোক, সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ এই সফলকামী হৈ তেওঁ উভতি যাওক. আৰু 15 আগষ্ট তাৰিখে তেখেতে দিল্লীত গৈ পোৱা কথা, গতিকে আমি ভাবিম যে তেওঁৰ এই যিটো 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 15 আগষ্টলৈকে যিটো তেওঁ এই যিটো বাইচাইকেলেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ পৰিভ্ৰমণ কৰি মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে তেওঁ যিটো বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে, এই যিটো বাৰ্তা সফল কাম হওক, সকলোৱে তেওঁক সেইকাৰণে আমি তেওঁক আদৰিছোঁ. আৰু তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ মানে কাৰ্যালয়টো যিসকল কৰ্মৰত মহিলা আছে, তেওঁলোকো
আহি তেওঁক স্বাগতম জনাইছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ যিটো তেওঁ উদ্দেশ্য লৈ আজি ভাৰতবৰ্ষ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু মহিলাসকলৰ যিটো বাৰ্তা তেওঁ দিব বিচাৰিছে সি অতি আশাপ্ৰদ আৰু সি অতি কৃতকাৰ্য হ'ব, তাত মোৰ কোনো দ্বিমত নাই। থেংক ইউ।